अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरीद आसकानी आज आपके साथ एक नए वीडियो में हाजिर हैं। और आज हमें मोहम्मद हयात जो पिंजन के नाम से चैनल है, मोहम्मद हयात खुद यही हैं और इसी का चैनल है मोहम्मद हयात पिंजन। आज मोहम्मद हयात ने मुझे कॉल करा था कि यार आ जाओ, हमारे मुर्गों में थोड़े कीड़े लगे हुए हैं, पता नहीं क्या हैं, और उसके बारे में आज हम आपको इलाज बताएंगे। और ये इंशाल्लाह आप देखोगे वीडियो में, हम आपको प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखाएंगे इलाज। और मोहम्मद हयात भाई, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक चलो, सर सही है। अभी जाते हैं जो मुर्गों के पास, और जो मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं और बच्चे हैं, उनके जो जरासीम लगे हैं उनके आपको दिखाते हैं और आपको हम प्रैक्टिकल केयर करके दिखाएंगे उस किस तरीके से उनका इलाज होगा। और दो इलाज हैं और दोनों इलाजों का हम आपको बताएंगे और किस तरीके से वो इलाज हम आपको दिखाएंगे। अभी आए हैं हम खुदी के पास और जो है हयात भाई हमें मुर्गे दिखाएंगे, मुर्गियाँ दिखाएंगे और कट्ठे दिखाएंगे। हयात भाई दिखाएं, ये आप देख सकते हो बच्चे, और इसीलिए मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया और मुझे कॉल करा। अभी आपको ये कैमरामैन को मैं बोलता हूँ जूम करके आज दिखाएं। तो इसको कहते हैं जौवे, और ये जौवे हैं, ये खून चूसते हैं और खून चूसने से मुर्गे का जो है मुर्गा ये चूज़ा है, ये चूज़ा बड़ा नहीं हो सकता है, इसका खून चूस चूस के ये बीमार हो के मर जाएगा। इस साइड पे ये आप देख सकते हो, और ये अक्सर परों के नीचे लग सकते हैं और ये पाँव के पीछे में बीच में भी लग सकते हैं, इसके यहाँ पे भी लग सकते हैं। और यहाँ पे अभी तो शुरुआती हुई है, हयात ने मुझे पहले कॉल करी बुलाया, ये आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ, इसके दो तरीके के इलाज हैं। एक इलाज जो है ये पाउडर, ये कूपेक्स पाउडर है, ये तो टायर कंपनी का है, हर कोई कंपनी भी चल सकती है। यहाँ पे टायर कंपनी मिली थी हम लोगों को, टायर कंपनी का है। इस तरीके से आपको लेना है और यहाँ पे आप इस तरीके से लगाओ और इन इस चूज़ों के ऊपर लगाना है, मालिश करके जो, और ये पाउडर यहाँ पे लगा के पूरे जिस्म पे जहाँ पे हैं और जहाँ पे नहीं भी हैं वहाँ पे भी लगाओ। और इस तरीके से ये लगाने के बाद इसके जो यहाँ पे लाजिम हो सकते हैं यहाँ पे भी आपको लगाना है इस तरीके से। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरा चूज़ा है, यहाँ पे लगा दिया, ऐसे पाउडर को फैलाना है। फैलाने के बाद ये ज़्यादातर ये परों के नीचे लगते हैं, परों के नीचे लगते हैं, और यहाँ पे लगाया और ये पाँव के नीचे भी लगाना है सीने के लिए। तो हम लोगों ने ये इलाज किया और ये जौओं का इलाज है, और इससे जौए मर जाएंगे और बच्चे जो हैं तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे और ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। क्यों, ये खून को चूसते हैं, ये रात को आके पाँव पे लगते हैं और मुर्गी हो या मुर्गा हो या चूजे हो उनके खून को चूसते हैं और फिर वो बीमार होकर मर जाते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी है नास, वो नास जो है तेल में लगाना पड़ेगा, तेल सरसों का तेल लेके तेल में उसको भिगोना है नास को और नास लगाना है। कोशिश करो नास जो है वो गर्मी के टाइम पे नहीं लगाना है, सुबह सवेरे लगाना है या शाम को रात ढलने के टाइम पे लगाना है। और कोशिश करो बड़े मुर्गों को नास लगाना है गर्मी में, बच्चों को नास ज़रा भी नहीं लगाना, क्यों नास में बहुत तेज़ मकसद तेज़ है उसकी हीटअप, उससे क्या वो मुर्गे बेहाल हो जाएंगे और सफ़ा गिर जाएंगे। आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगा और एक इसी टॉपिक के हिसाब से मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, अगले हफ्ते वो दूंगा, दो तीन दिन के बाद वो वीडियो भी दूंगा, वो भी आप देखोगे।